बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए क्विक और इजी ब्रेकफास्ट, आप इसको कह लें या इवनिंग स्नैक्स कह लें, रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मजे की बनती है और आप इसको जस्ट 10 मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व करें या मायो के साथ या किसी भी चटनी के साथ, बहुत ही मजे का लगता है। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक चॉप की हुई मीडियम साइज की प्याज है एक मेरे पास, वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी एक स्मॉल साइज का टमाटर है मेरे पास, ये भी बारीक चॉप किया हुआ है, क्यूब्स में कट किया हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। एक कुरकुरे का पैकेट लिया है मैंने, आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। इसको हम तोड़ लेंगे इस तरीके से प्रेस करके, और अब हम इसमें डाल देंगे इसको। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरा धनिया 1 टेबल स्पून, इसको नेचुरल फ्लेवर देगा। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी एक लेमन का जूस, और इसमें मैं ऐड करूंगी एक चुटकी नमक, और एक चुटकी ही इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूंगी, क्योंकि कुरकुरे में भी मसाला होता है। अगर आप ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप इसमें चाट मसाला, नमक और काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों को हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने, और अब मैं इस पे अप्लाई करूंगी 1 टेबल स्पून पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप केचप भी यूज कर सकते हैं या चिली गार्लिक सॉस भी इस पे यूज कर सकते हैं। दोनों स्लाइसेस पे मैं स्प्रेड कर लूंगी पिज्जा सॉस को। अभी जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हम इस पे स्प्रेड कर देंगे दोनों स्लाइसेस पे इस तरीके से। इसको मजीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यूज करी हूं चीज का स्लाइस, दोनों पे मैं इस तरीके से रख दूंगी। अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, चीज अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर है तो जरूर यूज कीजिएगा, इससे बहुत ही मजे का बनता हमारा सैंडविच। अब दूसरा स्लाइस ब्रेड का मैं इस तरीके से रख दूंगी इसके ऊपर, और अब हम इसको बनाएंगे सैंडविच मेकर में। मैं सैंडविच मेकर यूज करी हूं, अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसको फ्राइंग पैन में या तवे पे भी टोस्ट करके बना सकते हैं। सैंडविच मेकर ऑन है और अब दोनों स्लाइसेस मैं इसमें इस तरीके से रख दूंगी। इसको अब कर देंगे हम बंद। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइट जल रही है, जब ग्रीन वाली लाइट जलेगी 2 से 3 मिनट बाद इसको हम खोल लेंगे। ये बंद हो चुका है, अब हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट ग्रीन लाइट का। सैंडविच हमारे डन हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सैंडविचेस हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसको इवनिंग स्नैक में भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दें, अफ्तार मेन्यू में आप इसको बनाकर खा सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, रेसिपी को आपने ट्राई जरूर करना है। कमेंट से मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।